नमस्ते दोस्तों, ये जो महामारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है और हर तरीके से किसी न किसी को हर तरीके से प्रभावित किया है, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी कि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हताश हो गए हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी कि सेल्फ पिटी के लिए ये वक्त नहीं है, क्योंकि जिन लोगों पे सच में ये आपदा आई है वो बैटल फील्ड में, वो इससे जूझ रहे हैं, उनके पास हताश होने का वक्त नहीं है। लेकिन जो लोग ओवर थिंक करें, तो लेट मी टेल यू, हर जनरेशन कहीं ना कहीं, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, ट्यूबरक्लोसिस हो या प्लेग हो, इस तरह के संक्रमण से या महामारी से जूझा है। तो आप क्यों समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल है? अब आधुनिकता इतनी बढ़ गई है, जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि जिस तरह से ट्रैवल हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पूरा विश्व एकदम से इसके चपेटे में आ गया है। और हमारी भारत की जनसंख्या, वो तो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है भारत की। तो हम जिस आधुनिकता का मजा उठाना चाहते हैं, उसके ड्रॉबैक्स भी तो होंगे ही होंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम में एक खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाना कहां की समझदारी है? हमें अगर हम सोल्यूशन नहीं बन सकते, तो प्रॉब्लम भी नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, हमें जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी मदद करनी चाहिए, जिसमें कि नंबर वन, आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप संक्रमित ना हो प्लीज खुद। नंबर टू, पिछले साल तक देखिए हम लोग कितने हताश थे, क्या होगा इस वैक्सीन का, कुछ होगा भी क्या नहीं, लेकिन अब हमारे पास एक वैक्सीन है, उसकी दवाई है। जिन महामारियों के मैंने नाम लिए, कई सालों लग गए थे उनकी वैक्सीन आने में, और हमारे पास डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 99-98% लोग ये वैक्सीन का अगर पहला शॉट भी ले लेते हैं, तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, वो घर पे ही, उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और रिकवरी रेट इज 100%। तो दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम लोग इस सिचुएशन में हैं, तो वैक्सीन के खिलाफ गलत अफवाहें उड़ाना, मेरे घर के कितने स्टाफ हैं वो नहीं जाना चाहते थे, वैक्सीन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मैंने सबको रजिस्टर कराया, उनको मनाया, उनको समझाया। 1 तारीख को मैं अपने सब परिवार वालों के साथ, अपने सारे स्टाफ के साथ, अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। आप भी ऐसा करिए, प्लीज अपने आप को रजिस्टर कराइए, और इस लड़ाई से अगर लड़ना है तो व्यक्तिगत तौर पर सब इसे अपनी अपनी लड़ाई समझ के, और प्लीज हताश मत होइए। जय हिंद।